खबर सिवनी जिले की लखनादौन से है, जहां एक विवाहिता के लापता होने का मामला सामने आया है। बता दें कि विवाहिता सुरेखा झरिया थाना धूमा की रहने वाली है, जो कि बीते 25 तारीख को अपने ससुराल से लापता हो गई है, जिसे लेकर लापता युवती सुरेखा की मां सुखवती झारिया ने बताया कि सुरेखा के ससुराल वाले उसे यातनाएं और प्रताड़ित करते थे, वहीं जिसके कारण सुरेखा अपने मायके वापस आई थी, लेकिन आपसी सुलह के बाद सुरेखा वापस ससुराल गई और 25 तारीख को छपारा सुरेखा के ससुराल से किसी ने फोन पर जानकारी दी कि सुरेखा घर से लापता हो गई है। वहीं सुरेखा के माता पिता और परिवार वालों ने थाना छपारा में गुमशुदी की शिकायत दर्ज करवाई और कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि या तो सुरेखा को कैद में रखा गया है या फिर सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या कर उसे ठिकाने लगाया है। इसी क्रम में थाना प्रभारी छपारा सौरभ पटेल ने कहा कि मामले की छानबीन की जा रही है और जल्द ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। सिवनी से संवाददाता ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट। दिनांक 26/1/2024 को उषा झारिया निवासी महाराणा प्रताप कॉलोनी ने थाना आकर अपनी बहू सुरेखा झारिया के गुमने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत दर्ज करते हुए गुमनसान कायम करके जांच में लिया गया है कि जो गुमनसान के मायके पक्ष के लोग हैं, उन्होंने ये अपने कथन में बताया है कि गुमशुदा के ससुराल वाले उसको परेशान किया करते थे, ऐसा उनकी लड़की ने उन्हें पूर्व में बताया था। उसको कथन में ले लिया गया है और उस तथ्य की भी गंभीरता से जांच की जा रही है। मेरी लड़की को बहुत मारते थे, पीटते थे, बहुत तंग कसिया करते थे और ले जाते थे और बड़ी मुश्किल से चार पंचों से पहुँचाए तो जेवर रखे थे, लड़की ने खुद रखी थी, हमने नहीं रखे थे, उसका बच्चा का इलाज करने के लिए और उसका खुद कान में मारा था दमान ने तो खून बहता था, तो बोले कि जा तू जेवर लेके और पैसा लेके, तू जेवर पैसा लेके नहीं आएगी तेरे को हम नहीं रखेंगे, नहीं तेरे को मर्डर कर देंगे, ऐसे बोलती थी और बहुत तकलीफ करा थी। और 4 साल उसकी शादी हुई। अब क्या हो गया? उसको मर्डर कर दिए का किडनैप कर दिए उसने और हमको कोई फोन पता नहीं, अब तक जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं। मेरे बड़े वाले जीजा के यहाँ फोन लगाए 11 बजे तो उसने बताया, हम किसी ने नहीं बताया। थाने में शिकायत कर दी हो? थाने में शिकायत करे तो हमारी कोई सुनाई नहीं।